हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। और आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि आपके घर में ज़रूर पुराने मग वगैरह, कॉफ़ी मग, चाय मग होंगे ज़रूर, कप वगैरह, जो कि कई बार ही ऐसा होता है ना, वो हल्के फुल्के टूटे होते हैं, लेकिन उन मग्स और कप से हमारी कुछ ऐसी यादें जुड़ी होती हैं कि हमें किसी को फेंकने का दिल नहीं करता। तो ऐसे में हम क्या करें, लेकिन वो रख के भी घर में अच्छी नहीं होते, तो उनका मैं यूज़ बताऊंगी आपको आज प्लांट में। आपने देखा होगा मग्स में प्लांट्स लगाते हैं, तो वो किस तरीके से लगाते हैं कि वो सर्वाइव कर जाएं और अच्छे से रहें, वही आज का वीडियो है। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जिससे कि उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँचे। तो प्लांट्स लगाने से पहले किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, प्लांटेशन भी लगाऊंगी और सिखाऊंगी। और आज मैं ये वाला प्लांट लगाना सिखाऊंगी, और अभी इसी सीरीज़ में ये एक मैं नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं पहला आपको प्लांट दिखाऊंगी। इसी सीरीज़ में मैं आपको 4 से 5 प्लांट लगाना सिखाऊंगी मग में, किस तरीके से लगाएं कि वो सर्वाइव भी कर जाएं, और उनके फिर टाइम टू टाइम आप मेरे आने वाले वीडियो में उनकी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगी कि क्या अपडेट रहे। तो ये वाला जो अजवाइन का प्लांट है, ये भी मैंने एक बहुत छोटी सी कटिंग से लगाया था, अगर आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो ये बहुत ही छोटी सी कटिंग से लगाया था, और अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। और इसी में से मैंने अभी 2 कटिंग और ली हैं। किधर गया वो, पूरी मैंने तोड़ दी थी, तो 2 कटिंग अभी मैंने और ली हैं। इसी की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। इसको सेलरी बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको अजवाइन बोलते हैं, और इसकी इतनी स्ट्रांग खुशबू है कि अगर आप हाथ से भी छू देंगे तो भी आपके हाथों में स्मेल इसकी आ जाती है। स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस है एक तरह की। बहुत अच्छा हर्ब है, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं 2। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी, या आप मेरी गार्डनिंग प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, प्लांट लगाने के लिए मग में या कप में अगर प्लांट लगा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो ज़रूरी है, कि आप सबसे पहली चीज़ अपने प्लांट के लिए वो चीज़ चुने कि मतलब मग में अगर प्लांट लगा रहे हैं तो वो चुने जो आप प्लांट, जिन प्लांट्स में पानी कम दिया जाता है और जो कटिंग से लग जाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आगे आगे उसकी केयर करनी है वो तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये देखिए, ये अभी यहाँ पे कबूतर बैठे थे, उन्होंने मेरी जड़ तोड़ दी। ये देखिए, मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी और ये तोड़ दी। अभी इसको दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी सी ग्रोथ से शुरू हो गई थी, इसमें आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे कबूतर भी बैठे थे और एक फाख्ता बैठा था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, तो किसी व्लॉग में शेयर करूंगी कितने सारे कबूतर पंछी आते हैं मेरे यहाँ। तो ये जेट प्लांट है। तो कटिंग आप उन चीज़ों की लगाएं या उन प्लांट्स को मग में लगाएं जिनको आप बहुत कम पानी देते हैं, और कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ सेलरी की, यानी कि अजवाइन की, और किस तरीके से लगाते हैं चलिए दिखाती हूँ। ये है एक छोटा सा प्लास्टिक का कप, मेरी डॉटर के बचपन का है, और हम इसमें चाय कॉफ़ी पीते थे। उसको दूध तो हमने कभी दिया नहीं, हम लोग ही चाय कॉफ़ी पीते थे, क्योंकि इसमें विंटर के टाइम पर गर्म रहती है। लेकिन बाद में देखिए धीरे धीरे ही पता चलता है कि चीज़ों को यूज़ करने के बाद, तो मैं भी आपको भी सजेस्ट करूँगी कि प्लास्टिक के मग्स अगर आप भी यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ ना करें। काफ़ी साल पहले मैं यूज़ करती थी, लगभग 8-10 साल पहले, तब इतनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन वही होता है ना, नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती है। तो 8-10 साल से मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया, लेकिन ये मेरे घर में रखे थे, तो सफाई करते टाइम मिले, तो आज मैं इसी में मग में मैं लगा रही हूँ। और ये है वो अजवाइन के पीसेस जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी तोड़े थे, ये 2 कटिंग ली है मैंने। और इसको किस तरीके से लगाऊंगी, मैंने इस मग को, ये 2 मग थे मेरे पास, इसमें एक मैं दिखा रही हूँ मैं आपको आज लगा करके अजवाइन, तो इसको मैंने थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है। वैसे तो इसका कलर ही खूबसूरत था, टर्कोइज ब्लू कलर का। इसके ऊपर मैंने अक्रेलिक कलर से डॉट्स बना दिए हैं पूरे मग के ऊपर, जिससे कि ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें मैंने, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, तो मैंने इसके अंदर होल कर लिए हैं। अब होल करने के बाद में क्या करना है, इसके अंदर हम रखेंगे पत्थर। ये पत्थर जरूर डाल दें, जिससे कि इसमें पानी जो है
वो नीचे लेयर में बैठ जाए और हमारी मिट्टी को, इसकी पौधों की जड़ को भी खराब ना करे और मिट्टी भी हमारी मॉइस्ट तो रहे लेकिन उसके अंदर पानी ज्यादा रुके ना। तो इसके बाद में अब मैं डालूंगी इसके अंदर अपनी गार्डन सॉइल, और गार्डन सॉइल कितनी डालनी है, गार्डन सॉइल के अंदर रेत मिला करके मैं डालूंगी। तो आप 50-50% ले सकते हैं क्योंकि अजवाइन एक ऐसा पौधा है कि बहुत ही हार्ड कंडीशन में भी चल जाता है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो मग में अगर हम जब भी लगाएंगे तो मैं आगे आने वाली सीरीज़ में आपके साथ में ऐसे प्लांट भी शेयर करूंगी जो आप मग में लगा सकते हैं और जिनकी केयर कम है और सर्वाइव कर जाते हैं मग्स में। तो चलिए पहले मैं इसमें मिट्टी लेकर के आती हूँ। मैंने मिट्टी भर ली है, इसके अंदर मैंने 50% मिट्टी ली है और 50% मैंने ली है रेत जो होती है कंस्ट्रक्शन वाली या नदी वाली, वो रेत ली है। और इसको लेने के बाद में थोड़ा सा डैब डैब कर लूंगी जिससे कि ये मिट्टी नीचे बैठ जाए। और उसके बाद में मैंने ये कटिंग जो है इसको मैं यहाँ से तोड़ ली है और ये नीचे के पत्ते मैंने निकाल दिए हैं। और इसके भी निकाल देती हूँ और इसको बहुत आसानी से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, चाहे इसी तरीके से इसको हल्के से प्रेस कर सकते हैं और ये लग गई। अच्छा, मग वाले जो प्लांट होते हैं उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उसमें पानी बहुत कम दिया जाता है। नॉर्मल जैसे हम अपने ज़मीन में लगे पौधों में देते हैं या फिर गमलों में लगे पौधों में देते हैं, उससे कम देंगे तब ये अच्छे से चलेंगे। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो आप उसमें जो है वो पानी थोड़ा कम दें और इसको थोड़ा सा साइड से दबा दिया जिससे कि इसमें सहारा सा हो जाए, और चाहे तो ऊपर से और थोड़ी सी मिट्टी फिल कर सकते हैं। और अब पानी किस तरीके से देना है, इस तरह की मैंने स्प्रे बॉटल वगैरह जो होती हैं, ज़्यादा नहीं करना, बस इसको हल्के हाथ से इस तरीके से पानी आप दे सकते हैं। और बीच बीच में क्योंकि इसमें पेस्ट वगैरह ना लगे तो ये मैंने एक बनाया है पेस्टिसाइड, इस वाली बॉटल में आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा है तो इस पेस्टिसाइड को बीच बीच में टाइम टाइम पे स्प्रे करते रहें जिससे कि हमारा प्लांट भी हेल्दी बना रहे और इसके अंदर कीड़े वगैरह ना लगे। कोई भी प्लांट है उसमें पेस्टिसाइड का टाइम टू टाइम स्प्रे ज़रूर करेंगे तो आपका प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव होगा और अच्छे से उसकी ग्रोथ भी होगी। और मिट्टी के अंदर आप हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा नहीं हल्का सा पानी देंगे, बट मिट्टी को हमें सिर्फ मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। तो आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।